सज्जनों ते मित्रों पिंड थां दी सवेर भी जिंदगी दे विच इक मायना रखदी आ। माशाल्लाह जी सवेरे सवेरे मेरा मेन बाजार दीआं क्या बात, मेन बाजार दे विच पहुंच के यारां दी माशाल्लाह इत्थे मुलाकात हुई चाचे रिहाज नाल। माशाल्लाह सवेरे सवेरे चाचा कर रहा सी समोसिआं दी तैयारी आलू छिल के। चाचू रिहाज नूं मिलण तों बाद मैं आया हनान भाई दी दुकान ते जिथे के नाश्ता चल रहा सी। माशाल्लाह राजिआं दे चने और चौल क्या बात आ यार, मोतियां वालिओ चौलां दा प्याला खाण तों बाद हनान भाई ने दित्ती चाचे कूबे दी मिठी जी चाह, तुसीं कर दो मिठा जिहा कमेंट। अशके वी अशके मित्रों तरक्कीआं गौरमेंट दी तरफ तो मेरे मक्खन वर्गे महल्ले दे विच आए हुए सी सफाई वास्ते क्या बातां यार। जिस तरह के तुसी थंबनेल ते देखे ही है, लै मित्रों यार हुणे लाण लग्गिया मिठे चौलां दी देग। बस फिर मित्रों उधरों ठेकेदार साहब भी आ गए, यार हुणे ठेकेदार नाल फोलण लग गए दुख सुख। राजा साहब नूं फोन मारन दे बावजूद राजा ना आवे, मैं खिच के लैके आया। मैं कहा राजा साहब बच्चे पढ़ रहे हैं, चौल करो मिंट मार के यार तैयार। इधर मैं देखिया मैं कहा यार आ की। राजा मैनू कहंदा इमरान साहब बजरी यार पा के चूल्हा कीता उत्ते। मैं कहा ठीक है। मैं कहा वाह राजा वाह तेरियां क्या बातां, नहीं मुकाबले मान ना यार। उस तो बाद मित्रों आ गए मदरसे वाले बच्चे, मैं इन्हां नूं कहा जोहर तो बाद ना यार तुसीं घर पढ़ लिओ। कहंदा ओके। मैं कहा भी कम इस तरह के तुहानूं पता ना इस मुंडे दे नक दे सेंसर बहुत तेज आ। लै मित्रों मैनू खुशबू आई उत्थों चिप्स दी। बस फिर नाल ही नाइस मुंडे दी जीभ ने नवे नवे स्टाइल बनाए, जेब दे विच बटुआ जिहा हिलिया। मैं कहा लै भाई यारां ने भी कढिया बटुआ, कढे 50 रुपये। मैं कहा जा काकिया लै के आ गरमा गरम। बस फिर मित्रों गर्मा गर्म चिप्स आई, यारन भी अल्लाह का नाम लैके दिता गेड़ा, क्या बातां मान ना स्वाद आ गया। काले पानी तो बगैर भी लै मित्रों मेरी वीडियो यार, मैं कहना अधूरी रह जी आया। काला काला पानी दिता रगड़ा साहब ने भी एक मिठा जहा गिलास दिता यारा नूं भर के। यारा ने जदों लाया ना पहला घुट, हाय हाय हाय। मैं कहना स्वाद यार सारा। राजा साहब ने दोबारा कैमरा किया, हुण मैं कहा राजा साहब की कर रहे हो। कहना इमरान साहब चावल धो रहे। मैं कहा यार ओके। बिना तखीर मित्रों 2 घंटिया बाद माशाल्लाह जरदे की देग हो गई तैयार। इधर देखो सिलेंडर रखिया पानी नाली। राजा साहब को दोबारा पूछा राजा साहब किन्नी देर आ बच्चों नूं कहना। कहंदा इमरान साहब सिर्फ 5 तों 10 मिनट। मैं कहा सज्जनों ते मित्रों मकान ते हले मुकम्मल कोई नहीं होए सी, लेकिन यार बच्चे नूं एक वारी पहले पढ़ाना सी। लै मित्रों इत्थे सी कमरे दरियां दुरियां विछा के। मैं कहा बच्चे इत्थे बह के यार पढ़ लैणगे। इत्थे साडे इक मिठे जे फैन दी होई आमद, यारां ने इहनां दी कीती खिदमत, माशाल्लाह दित्ता इहनां नूं टाइम। अखीर सज्जनों ते मित्रों माशाल्लाह देख दा ढक्कन पटिया ते अग्गे नजारे तुहाडे सामणे सी यार। इह मक्खण वर्गे महल्ले दा माशाल्लाह बच्चा आया शहरों पढ़ के। मैं कहा यार देखो किन्नीआं किताबां यार इहने चक्कियां। बिना तखीर मित्रों चिट्टियां वर्दियां वाले मेरा मतलब मदरसे के बच्चे माशाल्लाह पढ़ने वास्ते आ गए साढ़े घर। मैं कहा यार सुकून माहौल ना पढ़े, चोल थोड़े वास्ते। उस तो बाद मदरसे वाले बच्चे माशाल्लाह मेरे घर दे विच बह के पढ़न, तुसी भी यार सुन लो। नाल ही अहमद हुई माशाल्लाह मेरे महल्ले दे मामो खतीब शहजादे आले सुन्नत दी। खत्म शरीफ तो बाद माशाल्लाह मेरे महल्लेदारा ने और हाफिज साहब ने कीती दुआए खैर। दिलू साहब नूं मैं कहा पहली परात मेरे फैना वास्ते पा यार। लै मित्रों चक लो अपनी अपनी प्लेट। पहली परात लिया के यारां नूं दित्ती मदरसे वाले बच्चों नूं। मैं कहा यार सारे जोड़ियां जोड़ियां बन के खाओ, होर आंदियां परातां। माशाल्लाह जी माशाल्लाह खिदमत वास्ते अहमद साहब भी अपनी पूरी ड्यूटी दे रहे सी यार। अल्लाह पाक इहनूं सलामत रखे। खाण पीण तों बाद हाफिज साहब ने माशाल्लाह पूरे घर दा कीता विजिट। अपना ख्याल रखियो, नमाज कायम करियो, पाकिस्तान जिंदाबाद।